हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का नियान की नोक जोक भरी छोटी सी दुनिया में। जैसे कि हम लोगों ने ये मन डेडिकेट किया था प्रैंक्स को और एक्सट्रीम चैलेंजेस को, तो गाइस आप लोगों ने माशाल्लाह बहुत प्यार दिया हम लोगों को हमारे प्रैंक्स पे, हमारे चैलेंजेस पे। इसी के साथ मैंने लाया हूँ आज एक बहुत ही मस्त चैलेंज नहीं कहेंगे इसे, किस्मत का खेल कहेंगे, जो हम लोग खेलने वाले हैं निदा के साथ में। तो किस्मत का खेल कौन खेलेगा? किस्मत का खेल ये छिट्टियां खेलेगी। तो गाइस आज जो भी निदा को करना हो वो मैं छिट्टी पे लिखूंगा, मतलब खुद लिखूंगा, निदा सिलेक्ट करेगी, तो आज वही चीज होगी। तो बहुत सारे लोग भी कमेंट कर रहे थे और निदा भी बहुत जिद कर रही थी कि हम लोग कहीं हनीमून पे क्यों नहीं जा रहे, बहुत टाइम हो गया हम लोग हनीमून पे नहीं गए, शादी को 2 महीना हो गया। तो आज वो भी डिसाइड करेंगे इस चिट्ठी के थ्रू। निदा को नहीं पता है कि मैं हनीमून का करने वाला हूँ आज, सो एंड तक वीडियो को देखना। वीडियो की एंड में मैं निदा को चिट्ठी पे लिख के दूंगा यहाँ जाना या वहाँ जाना। निदा जो सिलेक्ट करेगी हम लोग वहीं जाएंगे और ये उसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा गाइस। तो चलो शुरू करते हैं गाइस, बहुत मजा आने वाली, किस्मत का खेल खेलेंगे। आज निदा की पूरा दिन मैं हेल्प करने वाला हूँ, निदा की सेवा करने वाला हूँ, क्योंकि वो बहुत काम करती है, वो इतना थक जाती है कि मतलब उसका पूरा पूरा दिन काम करने में निकल जाता है। व्लॉगिंग भी करती है, फिर सजेशंस भी देती है, इंस्टाग्राम वगैरह के लिए कॉन्टेंट भी निकालती है। तो आज उसका दिन है, उसको डेडिकेट करते हैं, उसको सरप्राइज देते हैं गाइस। बहुत मजा आने वाली, वीडियो को एंड तक देखना। मैंने सबसे पहला चिट्ठी पे लिखा हूँ बैड टी या बैड कॉफी। निदा सो रही है, जाके उसको उठाते और सबसे पहले इसकी छोटी सी किस्मत आजमाते। निदा निदा उठो, सिलेक्ट करो, देखो तुम्हारी किस्मत में बैटी लिखी है। चला आ रही तुम्हारी टी, रुक जाओ। तो अभी मैंने चाय बनाने रख दिया हूँ। मुझे लगता है कि निदा की किस्मत और मेरी किस्मत बहुत ही सेम होने वाली है, क्योंकि निदा को जो जो पसंद है वो मुझे पसंद है, जो मुझे पसंद है वो निदा को पसंद है। बस फर्क इतना होगा कि मेरी मेहनत बढ़ जाएगी और कुछ भी नहीं होगा। तो कोई नहीं, इतना तो कर ही सकते हैं गाइस। तो अभी चाय पक रही है, जैसे ही चाय पकती है फिर इसको मैं दूसरे ऑप्शन दूंगा। दूसरे ऑप्शन में ये रहेगा कि ब्रेकफास्ट एट होम या ब्रेकफास्ट एट रेस्टोरेंट। तो लेट्स सी वो क्या सिलेक्ट करती है। रेस्टोरेंट सिलेक्ट कर ले तो अच्छा, नीचे जाके खा लेंगे, बनाना पड़ेगा वरना मेरे को। Here's your bad tea. Pink color is for you. Yay! चलो फटाफट चाय पियो, पीके पता कैसी लग रही है, जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छी है, थैंक यू। सो गाइज बैड टी सेशन तो हो गया है, अब बारी है ब्रेकफास्ट करने की। सो अभी मैं निदा को ऑप्शन देने वाला हूँ, जैसा कि मैंने बताया था, ब्रेकफास्ट एट होम या बाहर। सो मैंने इसमें लिखा हूँ मैकडोनल्ड्स। तो चलो निदा ये किस्मत आजमाते हैं। निदा चलो तुम्हारी किस्मत आजमाते है, कम ऑन सिलेक्ट करो, बताऊंगा थोड़ी। किस्मत में जो लिखा है वही होगा निदा, नो मैकडोनल्ड। चिट्ठी बताओ, ये चिट्ठी, ये अभी इसको सर पर लगाओ अपने, ये इधर रह गया ऐसा। चलो मैं जा रहा हूँ नाश्ता बनाने। सो गाइस नाश्ता बनाना पड़ेगा। अच्छा बोल रही हूँ मैकडोनल्ड्स निदा, लेकिन ये गेम है, इसमें ईमानदारी, नो चीटिंग नो रीटेक। और यहाँ पे कचरा क्या फैला रहे हो, चलो सब उठा उठा रहा उठा रहा हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं ब्रेकफास्ट में बनाऊँ क्या, मुझे सिर्फ अंडा ही बनाना आता है, बट अंडे के साथ खाने के लिए ब्रेड ब्रेड कुछ भी नहीं है। निदा से पूछना पड़ेगा क्या खाएगी अंडे के साथ में। निदा देखो मुझे सिर्फ अंडा बनाना आता है और मैं सिर्फ अंडा बनाऊंगा, अंडे के साथ में तुम क्या खाओगे मुझे बता दो। रोटी, मेरे को रोटी बनाने नहीं आती है। अरे मेरे को अंडा रोटी पसंद है। गाइस ये किस्मत का खेल तो बहुत भारी पड़ रहा है मुझे। मुझे तो रोटी बनाने आती नहीं है, तो मैंने भी थोड़ा सा आटा ले लिया हूँ। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और देखते क्या गुल खिलता है। हा 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 हा, बन रहा है मस्त, एकदम लपेटा हो गया इसका तो। क्या हो गया आटे को, पूरी उंगली में लपेटा गया है। तो थोड़ा और पानी डालना पड़ेगा यार, पानी कम हो रहा है, आटा ज्यादा हो रहा है, फिर पानी ज्यादा हो रहा है, आटा कम हो रहा है, फिर से आटा ज्यादा हो रहा है, पानी कम हो रहा है, क्या करूँ बताओ। गाइस मेरे साथ ये कुछ तो हो गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया। ये आटा चिपकते जा रहा है, चिपकते जा रहा है, देखो निकल ही नहीं रहा उंगली से मेरी, क्या करूँ इसका अभी मैं। निदा फाइनली आटा निकल के ऐसा गोल बना है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कैसा बनाते हैं। तो मैंने पहले उसको ऐसा मिलाया ना, तो पूरा चिपक गया मेरी उंगली पे, फिर मैंने उसमें थोड़ा सा आटा मिलाया तो वो थोड़ा सा हार्ड हो गया। तो मुझे ज्यादा रोटी बनानी है, 3 से 4 बनानी है, ताकि 2 निदा खाए 2 मैं खाऊं, खुद का पेट भी भरना पड़ेगा। सो देख लो गाइस क्या गंदगी हुई है यहाँ पर, मान ये आटा मेरे से बना है। अभी अभी मैं समझ गया उसको कैसा बनाते हैं, अभी फटाक से इसको बेलता हूँ, सेकता हूँ अभी, देखो खाली। अब टाइम आ गया है इसको बेलने का, चिपक रही यार ये तो, थोड़ा बेलन पे भी लगा लेते हैं, काम करता हूँ, बहुत मेहनत का काम है यार, मैंने गलती किया, पहले मुझे पटले पे भी डालना चाहिए था यार। सो गाइस रोटी तो बन गई है, अभी चल के इसको सेकते हैं, मज़ा नहीं लाइफ। मम्मी ऐसी बना देते मेरी, अरे माँ तेरी हो गई, लव यू मम्मी, देख देख के सीख गया हूँ मैं।
सो गाइस मेरी रोटी तो बन गई है और रोटी कुछ ऐसी बनी है टेढ़ी मेढ़ी। तो कोई नहीं गाइस, इतना तो चलता है, थोड़ा आटा भी लगा हुआ इसके ऊपर। निधा खा लेगी अपनी, निधा बहुत अच्छी है। सो गाइस चलो रोटी बन गई है। अभी अंडा तो आप लोगों को पता ही, मुझे अंडा बनाना बहुत अच्छे से आता है, तो फटाक से नाश्ता रेडी करता हूँ। ब्रेकफास्ट इज रेडी, अंडा रोटी दो घंटे बाद। अरे थोड़ा रोटी बनाने में टाइम हो गया निधा, समझो तुमको तो पता ही है यार, खाने के टाइम पे नाश्ता मिल रहा है मेरे को। तुम्हारी किस्मत में यही लिखा था, तुम आज तुम्हारा किस्मत चैलेंज हो रहा है ना इसके लिए। निधा बताओ खा के कैसा है रोटी, दबा रहे हो, ले लो सॉस लो। अच्छी है, अनएक्सपेक्टेड। पूरे मेरे हाथ का पसीना पूरा मैल सब गया अंदर। अनएक्सपेक्टेड था ना, टेस्ट कैसा लगा? अच्छा तो लग रहा है। हाँ तो अच्छी है बेटा, चलो अब तुम्हारी किस्मत का दूसरा गेम खेलेंगे। नाश्ता बनाते बनाते अंधेरा हो गया है बाहर गाइस, हम दोनों अभी तक यहाँ पे बैठे ही है, तो क्यों ना निधा को नया ऑप्शन दिए जाए, बहुत बोरिंग हो रहा है गाइस इसके लिए। निधा चलो सिलेक्ट करो फटाफट तुम्हारी किस्मत का खेल, बैठे बैठे बहुत बोर हो गया। लेट्स गो आउट। इस पे क्या था? इस पे रेस्ट एट होम। अरे हाँ फटाफट हटा दिए। अरे तो और क्यों आएगा पागल। अच्छा चलो मैं भी तुमको दो ऑप्शन देती हूँ। ऐसा उंगली? हाँ। तुम चेंज कर दिया, मुझे कैसे पता चलेगा? नहीं, मैं नहीं करूंगा। नहीं तुम्हारा भरोसा। ये कैसी चीटिंग है, तो मुझे पता नहीं चलेगा कौन सी उंगली में क्या है। दो 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 में से। अच्छा ठीक है चलो वन। तुम मुझे कपड़े निकाल के दोगे? अरे मतलब कपड़े निकाल के दो। कौन सा कौन सा कपड़ा? जाओ निकालो, आज मैं थोड़ा बेड पे रहना चाहती हूँ। तो रेस्ट एट होम सिलेक्ट करते ना, लेट्स गो आउट क्यों सिलेक्ट किए फिर? क्योंकि मेरे को बाहर भी जाना है प्लस उठ के काम नहीं करना है। अच्छा ऐसा है क्या, चलो ठीक है। सो गाइस हम लोग आ गए हैं नीचे घूमने के लिए। वो नहीं छोटे छोटे बच्चे रहते हैं जिनको घूमने का शौक रहता है कार में, मम्मी कार में घुमाओ ना, डैडी कार में घुमाओ ना, ये वैसा मेरे साथ करती है। तो इसीलिए मैंने उसको यही ऑप्शन दिया था। तो निधा अब क्या करना है, तुमको नया ऑप्शन देना पड़ेगा लगता है मुझे। निकालू चिट्ठी पहले? चलो तुम बताओ तुम्हारा क्या मन है करने का, चलो फिर तुमको मैं उसका। खाना है, पीना है, घूमना है, नाचना है, कुछ मस्ती करना है, व्हाट डू यू वांट टू डू? आई नो तुम्हारी तबीयत खराब है। पीना है। चलो अच्छा है, सस्ते में पटा रहे हो, कोई नहीं। नहीं खाएंगे भी थोड़ा। आज तबीयत डाउन है। अच्छा ठीक है चलो मैं कहीं पर चलता हूँ, तो देखे तुमको उसके बाद तुमको ऑप्शन देता हूँ, ठीक है? किस्मत का खेल खेल रहे हम तुम्हारे साथ, किस्मत का। सुनीता सिलेक्ट करो जल्दी। हॉट चॉकलेट पियोगे क्या? इसमें क्या लिखा हुआ था? कैपेचिनो। यू डोंट लाइक कैपेचिनो? आई लाइक बोथ। आई यू लाइक बोथ, सो व्हाट डू यू वांट? हॉट चॉकलेट, देन कम ऑन हॉप आउट। आ जाओ। कैसी लग रही जगह? अच्छा लग रहा है। थैंक गॉड मेरी कुछ तो चीजें पसंद आती है गाइस। निधा आज इतनी लो है ना, मुझे जरा नहीं अच्छा लग रहा है। एकदम बोरिंग। स्टारबक्स लिखना चाहिए था, स्टारबक्स बंद हो गया, मैं स्टारबक्स लिखना चाहता था, लेकिन अभी क्या कर सकते है बोलो। स्टारबक्स नहीं जा सकते, स्टारबक्स बंद हो गया है। कब लेके जाओगे? कल जाएंगे। प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। ऐसा पिंकी प्रॉमिस बस। लगी तबीयत इतनी खराब है, इतनी लो है, वो व्लॉग में एक्टिव भी नहीं है। उसको कैसा कैसा करके मैं एक्टिव किया हूँ कि निधा चल थोड़ा मस्ती करते, स्पेशली सिर्फ उसी के लिए किया हूँ मैंने। थैंक यू सो मच। गरम तो रहेगा ना, हॉट चॉकलेट है तभी तो। पर क्या बना, मेहंदी बनी थी यार। मेहंदी नहीं है, पागल पहली बार पी रहेगा हॉट चॉकलेट। निधा मेरी चिट्ठी लेके तुम क्यों घूम रहे हो? क्या करो चिट्ठी पे? अभी तुम मत दे देना कोई ऑप्शन मेरे को। अरे शिट, मैंने आइडिया दे दिया क्या? नहीं आज तुम करो, जब मेरी बारी आएगी तब मैं ज्यादा एक्टिव रहूंगी। हाँ सही है सही है। पकश दी आज के लिए तुम्हें? पकश गया मैं, पकश। और भी बहुत सारा चीज है यहाँ पे। कैफे बंद हो गया है, मैंने रिक्वेस्ट किया हूँ, मैंने सही में बहुत रिक्वेस्ट किया, भाई 5 मिनट लगेगा प्लीज उसको आ दो, बेचारी बीमार है, और चॉकलेट पी के चुपचाप और चली जाएगी। तो उन्होंने बोला ठीक है सर, बैठ जाइए आप लोग। हाँ सो मच, भगा देंगे नहीं तो यहाँ से अभी। निधा यहाँ पे मेन्यू देख रही थी, तो उसी से मुझे एक आइडिया आ गया, मतलब उसको नेक्स्ट उसकी किस्मत में कैसे आजमाऊं। चलो ये वाला दिखाता हूँ मैं। आज के हमारे ये दो ऑप्शन से निधा की किस्मत आजमाते हैं। मेन्यू मत देखो बेटा, इधर है तुम्हारी किस्मत, इधर देखो। चलो बताओ। फादर एज अ डोंकी। किस्मत का खेल तुम्हारा है, किस्मत के ऑप्शंस मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? एक थोड़ा सा बाहर घुमा लो थोड़ा सा। अच्छा थोड़ा राउंड खिला दूँ? चलो ठीक है थोड़ा राउंड खिलाते हैं, फिर अब जो से सिलेक्ट किए वही करेंगे, घर जाएंगे जोमेटो से ऑर्डर करेंगे, नेटफ्लिक्स देखेंगे और खाएंगे। व्हाट्स इट? यस। ओ मैम रास्ते में क्या कर रहे हो? आइए प्लीज ठंडी प्लीज विराजमान।
हाँ वही की वही, एसी चालू कर दो अंदर, और एक राउंड भी। हाँ याद है याद है। सो गाइस हम लोग अभी कार में घूम घूम के आ गए, नीता को वहाँ भी बोर हो रहा था, हमारी मैम को हर जगह बोर होता है, तो हम लोग जब यहाँ पर शिफ्ट थे नीता बोलती थी कि सूफी तुम जिम चले जाना, मैं गार्डन में नीचे वॉक कर लूंगी, बिल्डिंग के जिम में जिम कर लूंगी, बिल्डिंग के स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर लूंगी, सब कर लूंगी। 4 से 5 महीने हो गए नीता ने एक भी एमिनिटीज यूज नहीं करी है, तो मैं इसको खींच के यहीं पर लेके आया, जबकि लाइट वाइट वहाँ पर सब बंद है, घूमो चलो जितना घूम सकते गार्डन में घूमो, घूमो गार्डन में, तुम्हें बहुत होगा, तुम्हारा ऊपर जाना बस हो गया, मेरे गले में दर्द हो रहा है, बस हो गया, चलो ठीक है ऊपर चले। हा, खाना आ गया। देख लो अंदर क्या क्या है। चिकन तंदूरी लॉलीपॉप, वेज हॉट एंड सार सूप, चिकन फ्राइड राइस, चिकन कढ़ाई, बटर नान, प्लेन लच्छा पराठा, अमृतसरी मलाई पुडिंग। तो सारा तुम तो फ्राइड राइस नहीं खाते हो। खा लूंगा ना अभी, क्या करेंगे, मैं नूडल्स मंगाने वाला था, बहुत पैसा जा रहा था, तो मैं चलो फ्राइड राइस में काम चला लूंगा मैं भी। चलो ठूसो जाओ लेकर आओ निकाल के। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, खाना हमारा बहुत अच्छे से हो गया, अभी निदा को थोड़ा पैम्पर करते हैं, फिर उसके बाद मैं एक चीज करूंगा, तो उसके लिए मैं निदा को पोल दे देता हूँ अभी, उसके जो है किस्मत का खेल। तो चलो सुनिदा चलो डिसाइड करो किस्मत का खेल। I love you. Yeah. Head massage. चलो चलो बेटा उस पे क्या था? दोनों मिल सकते हैं। नहीं एक ही बेटा किस्मत नहीं, ये क्या खैरात में आयो? नहीं नहीं खाली हेड मिलेगा, बैक ही दर्द हो रहा है। जो देखो ईमानदारी वाला गेम खेलो। अच्छा हेड मसाज में ना जो सैलून वाले वो यहाँ तक मसाज देते हैं। हाँ ठीक है चलो दे दूंगा, तो यहाँ तक पूरा ऐसे से दबाना पड़ेगा। हाँ ठीक है चलो, प्रॉमिस चलो, कल स्टारबक्स भी लेके जाने का प्रॉमिस। हाँ हाँ डन भैया जरा अच्छे से हेड मसाज दे। भैया मैं भैया हूँ तुम्हारा? नहीं वो वाले भैया नहीं हो, वो जो वो ऐसे कट 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 लेके घूमते ना जो चौपाटी पे। अच्छा वो वाले। वो मजा आ रही है। वेरी गुड वेरी गुड, इसने मेरे से मसाज सीखा है, मेरे कोई कर रहा है अभी। निदा बहुत अच्छी मसाज करती है सच्ची में। थैंक यू। मजा आ गई मजा। अल्लाह गला दबा रहे हो तुम मेरा, ऐसा करोगे ना अगर मसाज तो मैं कभी नहीं लूंगी तुमसे, प्लीज बहुत जोर का लग रहा है तुम्हारा। इतना ताकत से करो पेन जाएगा, ताकत से मत करो प्लीज। अच्छा, एकदम सॉफ्ट हाथों से, कहीं मालूम पड़ा नस यहाँ की वहाँ चले गई तो। सो गाइस जैसा कि मैंने बोला था कि आज मैं निदा को हनीमून सरप्राइज देने वाला हूँ, ऐसा नाम लिखूंगा इस पे, वो चीज लिखूंगा हनीमून के बारे में, निदा सिलेक्ट करेगी कि हम कहाँ जाएंगे, तो जहाँ पे निदा सिलेक्ट करेगी हम वही जाएंगे, बट निदा को जाना है मालदीव्स, तो मैं सोच रहा हूँ कि दोनों चिट्ठी पे मालदीव्स लिखता हूँ मैं और निदा को देखता हूँ, निदा कोई भी सिलेक्ट करे जाना तो मालदीव्स ही पड़ेगा गाइस हम लोगों को। सो चलो उसको जाके सरप्राइज देते ये वाला गाइस, ये है तुम्हारा आखिरी किस्मत की चिट्ठी। सो निदा मैं तुमको एक बात बताना चाहूंगा, मेरे पास इतना जो पैसा नहीं है कि जहां तुम जाना चाहते हो मैं तुमको वहां ले जाऊं, बट ये चिट्ठी में हमारे हनीमून के बारे में लिखा हुआ है कि हम लोग हनीमून कहां जाएंगे, बट वो जगह जो रहेगी इतनी ही जगह हम अफोर्ड कर सकते हैं, उसके अलावा जहां तुमको जाना है वहां का आइडिया नहीं मुझे कि हम जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। निदा चलेगा लेके चल जाओ भाई, कहीं ना कहीं जाएंगे ना। सो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, इंटरनेशनल ट्रिप के नेशनल ट्रिप? तुम लेके चलो ठीक है चलो। बस मुझे यहाँ से जाना है कुछ दिनों के लिए, रेस्ट करना है और मुझे तुम्हारे साथ अकेले टाइम स्पेंड। तो निदा ये दो नाम है जगहों के जो मैंने सोच के रखा हूँ, तो अब तुम्हारी किस्मत तय करेगी कि ये दो जगह में से तुम कहाँ जाओगे, ठीक है? तो आर यू रेडी? यस। चलो फिर सुनीता ये हमारी हनीमून ट्रिप होने वाली है, तो एकदम सोच समझ के सिलेक्ट करना, कहीं तुमने कुछ गलत सिलेक्ट कर लिए तो कहीं तुम्हारा पोपट नहीं हो जाए। निदा चलो सिलेक्ट करो जल्दी। इंकी पिंकी पोंगी, इंकी पिंकी पू, इंकी पिंकी पोंगी, आई लव यू। सोच लो। नहीं मुखरूंगा प्रॉमिस। टिकट बुक करो, कर दूंगा। दूसरी चिट्ठी बताओ। नहीं दूसरी चिट्ठी में कुछ नहीं, जान दो फिर। नहीं जाने दो, जाने दो प्लीज, मत पीछे जाओ, जाने दो दूसरी चिट्ठी, जाने दो दूसरी चिट्ठी, जाने दो। चलो चिट्ठी फेंक रहा हूँ मैं, ये चिट्ठी गई हमारे डस्टबिन में। नहीं मैं डब्बी जज्बी नहीं फेंक के आ रहा हूँ। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं मालदीव।
तो सुफियान यहाँ पे मेरे लिए टिकट्स बुक कर रहे हैं मालदीव की। कितना खुश है ना, ऐसा तो एकदम सुस्त पड़े थे। ये हम लोग मालदीव जा रहे, हम लोग मालदीव जा रहे। थैंक यू सो मच। तुम जैसा हस्बैंड हर किसी को मिले, इतना प्याला प्याला। आज कैसा ना, मतलब मेरी तबीयत खराब थी तो इसने कैसे वीडियो बना लिया बेचारे ने। लाइक ही इज वेरी हार्ड वर्किंग। थैंक यू। टिकट्स तो निदा 12 तारीख की मिल रही है। ओके। जो कि अपने को पड़ रही है 20,000 रुपए पर पर्सन। कर लो बुक। हाँ। सुबह 10 बजे की फ्लाइट लेता हूँ। हाँ 10:40। ठीक है, ओके डन। जल्दी करो यार, व्हाट आर यू डूइंग। हाँ पे कर रहा हूँ 2 मिनट। इतना सोचोगे तो अपन मालदीव नहीं जा पाएंगे। कभी जा रहे वैसे? परसों 12 तारीख। हाँ, एक ही दिन बाकी है मेरे पास शॉपिंग करने। जल्दी जल्दी सोने दो मेरे को, जल्दी जल्दी उठना पड़ेगा फिर कल शॉपिंग करने के लिए। आर यू सीरियस? डन। तुमने कर दिए बुक टिकट्स? क्या बात कर रहे हो, टिकट्स बुक। चलो खुश। अपनी बोलना के मैं तुम। बट एक मिनट, तुमने टिकट्स तो बुक करी रिसोर्ट? वहाँ जाके देख लेंगे। नहीं वहाँ जाके नहीं देख सकते सुफियान, अपन इंटरनेशनल जा रहे हैं, अपने को थोड़ी ना आगा नॉलेज है कुछ भी। कल ही बुक करना पड़ेगा फिर। अरे वहाँ जाके मिल जाएगा ना डायरेक्ट, अपन वहाँ जाके पूछ लेंगे किसी से भी कैसा ट्रांसफर है और कैसा किया। वैसे भी थोड़ी बहुत नॉलेज तो अपने जब लिए थे ना सर्वे करने के टाइम पे। सर्वे किए थे हम लोग ने पहले, बट पैसे की वजह से जा नहीं पा रहे थे। बट अभी पैसे लाए कहाँ से तुमने? फल खाओ, बीज मत गिनो, बीज की चिंता मत करो। ओके डन। मालदीव सीज़न। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर आपको यह व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। लव यू, अल्लाह हाफिज। बाय।